नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ प्रिया राय और आप देख रहे हैं JNI न्यूज। बेटा निकला निकम्मा तो बहू को संभालनी पड़ती है कमान, पल्लवी पटेल। उत्तर प्रदेश कौशाम्बी सिराथू विधानसभा 251 समाजवादी पार्टी और अपना दल कमीरा गठबंधन की प्रत्याशी ने तंज कसते हुए कहा कि बेटा जब निकम्मा हो तो बहू को निकलकर कमान संभालनी पड़ती है। समान निर्वाचन 2022 को नामांकन के दौरान समाजवादी पार्टी और कमीरा अपना दल गठबंधन की पल्लवी पटेल ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए क्या कहा, आइए देखते हैं कौशाम्बी से ब्यूरो चीफ संतोष कुमार यादव की रिपोर्ट में। क्योंकि हमारा संगठन हमको चुनाव लड़ा रहा है, हमारे भाई बंधु हैं हमारे गांव में, हमारे शहरों में। क्योंकि और सबसे बड़ी बात, हमारे सब लोग तो है ही हैं, मगर सबसे बड़ी बात आप ये समझ लीजिए कि आज के समय में उत्तर प्रदेश की जनता ये योगी सरकार से ऊब चुकी है। गांव में आप चले जाइए, हमारा किसान भाई जो रात को सो नहीं पा रहा है, वो डंडा लेकर अपने खेत में रात को जाग रहा है, अपना फसल क्या कहते ताक रहा है। उनसे पूछिए कि वो क्या चाहते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि सब त्रस्त हो चुके हैं, सब परेशान हो चुके हैं और सब लोग मिल करके चाल विधानसभा में मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और वो चुनाव लड़ाने का और जिताने का काम। एक समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है उत्तर प्रदेश में तो इन छुट्टा मवेशियों के लिए क्या किया जाएगा? देखिए, जो जिस तरह से ये जानवर जिस तरह से घूम रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने उसमें घोषणा पत्र में भी बता चुके हैं, तो वो तो किया ही जाएगा, मगर इनके लिए और भी प्रबंध किए जाएंगे। जैसे वो समस्याएं जैसे दिख रही हैं, जैसे आज दिख रहा है कि उनके फसलों को नाश। आज आपने नामांकन किया है, किस पार्टी से नामांकन किया है? मैं आज आपके सामने समाजवादी पार्टी अपना दल कमेरावादी के संयुक्त प्रत्याशी के रूप में चुनाव निशान साइकिल पे सिराथू से चुनाव लड़ने के लिए नामांकन किया है। डिप्टी सीएम के सामने आप चुनाव लड़ रहे हैं, कैसी चुनौती रहेगी आपके लिए? देखिए, चुनौतियाँ तो उत्तर प्रदेश में बहुत देरी है और चुनौतियाँ और स्थितियों का तो ये आंकलन आप कर सकते हैं कि इस वक्त माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अपने लिए सीट तलाशनी पड़ रही है। और क्योंकि मैं सिराथू की बहू हूँ और ऐसे में मेरा मानना है कि मेरे सामने प्रतिद्वंदी के रूप में डिप्टी सीएम या कोई और ये अहमियत नहीं रखता। अहमियत ये रखता है कि किन मुद्दों पे चर्चा होगी और हमारी नियत क्या है, हमारी सोच क्या है। डिप्टी सीएम कहते हैं मैं यहाँ नेता नहीं, यहाँ का बेटा हूँ। बिल्कुल यहाँ के बेटे हैं निसंदेह, लेकिन मैं भी यहाँ की बहू हूँ और जब बेटा निकम्मा साबित होता है तो बहू को आगे आकर के जिम्मेदारियाँ निभानी पड़ती है। आपकी छोटी बहन अनुप्रिया पटेल आपके विपक्ष में प्रचार कर रही है, बीजेपी के लिए क्या कहेंगे? मैं पूरे दिल से, खुले दिल से सबका स्वागत करती हूँ। और कुछ है?